गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज अपन पढ़ेंगे SST। SST में आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया गया है। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। अपने कुछ आपको विचार लिखने हैं क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपन ऐसे लिख देंगे कि क्लीन इंडिया कैंपेन होता क्या है। देखिए, डिस्कस योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। तो देखिए, द कैंपेन एम टू अचीव द विजन ऑफ अ क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। द स्वच्छ भारत अभियान इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीनिनाइज कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी लेड अ क्लीनिनाइज प्लेज एट इंडिया गेट विच अबाउट 30 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अक्रॉस द कंट्री ज्वाइन। मतलब क्लीनिनेस जो अभियान था महात्मा गांधी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम यही था कि जो हर जगह क्लीनिनेस को स्प्रेड करना है। इसमें देखिए, कितने 30 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। ये नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था। सेकेंड है, महात्मा गांधी सेड दैट वी मस्ट डू आवर वर्क आवरसेल्व्स कमेंट ऑन इट। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ आप कमेंट कीजिए। तो देखिए, महात्मा गांधी सेड दैट वी मस्ट डू आवर वर्क आवरसेल्व्स बिकॉज इफ वी नॉट डू आवर वर्क आवरसेल्व्स सो इन फ्यूचर एवरी टाइम इन एवरी मोमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर वर्क्स। देखिए, एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर अपन अपना काम खुद नहीं करेंगे तो अपन क्या, अपना काम कोई और करेगा, तो अपन हमेशा जो है अपने काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सो फ्यूचर में भी क्या, हर काम के लिए अपन को किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सेकंड, चिल्ड्रन मस्ट वर्क देमसेल्व देयर वर्क द सेम हियर चिल्ड्रन शुड डू हर वर्क देमसेल्व बिकॉज क्या, हमें को यहाँ से स्टार्ट करना है बिकॉज दे आर अ चाइल्ड। वो क्या, देखो बच्चे हैं, सो दे एवरीथिंग बॉट वेरी इजीली, बट व्हेन दे ग्रो अप दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर्स डैट दे थिंक गिव हिम इजीली, बट दिस डिपेंड्स दे आर वेरी लूज इन फ्यूचर। सो एवरी चाइल्ड मस्ट डू देयर वर्क ऑफ इट्स ओन। तो देखिए, अगर बच्चों को अपना काम इसलिए खुद करना चाहिए कि वो अभी बच्चे हैं तो वो इजीली कोई भी काम इजीली कर सकते, इजीली सीख सकते हैं। अगर वो अभी चाइल्ड एज में अगर उनमें अच्छी हैबिट्स नहीं पड़ी तो जब वो ग्रोन अप हो जाएंगे तो भी क्या है, वो सीख नहीं पाएंगे कोई काम। इसलिए चिल्ड्रंस को भी जो अपना काम खुद करना चाहिए। थर्ड, हाउ डिड यू रन द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल, एक्सप्लेन। अगर आपके स्कूल में जो क्लीनलीनेस कैंपेन आप कैसे रन करोगे उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लीनिंग द क्लासरूम्स एंड कीपिंग इट नीट एंड टाइडी। देयर आफ्टर द स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर मेंटर्स टुक पार्ट इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इन द ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वॉज गिवन द डेज फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग द क्लासरूम। से देखिए, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लासरूम्स को क्लीन करना और उसको अच्छे से क्लासरूम को क्लीन करेंगे। फिर क्या, देखिए जो स्टूडेंट्स को है अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे और उनको अलग अलग काम दे देंगे। तो इस तरीके से जो क्या, हम अपने स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन लगा सकते हैं। फोर्थ है, वॉट एफर्ट्स शुड वी मेक टू अडॉप्ट क्लीनलीनेस एज आर हैबिट। क्या एफर्ट्स जो है अपन को करने चाहिए क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट बनाने के लिए। तो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट क्लीनलीनेस विद आवर सराउंडिंग्स लाइक होम स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा। हमें सबसे पहले सफाई कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, अपनी सराउंडिंग जैसे अपना घर, फिर स्कूल, देन कॉलेज, देन स्ट्रीट। देखिए, होम के बाद अपनी खुद की स्ट्रीट, then school, then college, etc. We should throw garbage in dustbin only and keep all the public places as clean as a house. तो देखिए, हमें जो क्या है, डस्टबिन में ही गार्बेज थ्रो करना चाहिए। वी शुड यूज टॉयलेट एंड नॉट गो फॉर ओपन डिफेक्शन। हमें टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, ओपन डिफेक्शन में नहीं जाना चाहिए।
फिर है क्लीनलीनेस, जो अपनी हैबिट होनी चाहिए ना, कि कोई पॉम्प अप या फिर कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो अपन चैप्टर 5 जो गेम्स वी प्ले था उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो देखिए, विच इज योर फेवरेट टीम स्पोर्ट। तो इसमें से आपको जो है आपका फेवरेट टीम स्पोर्ट क्या है, देखिए सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो जो आपका फेवरेट है वो आप लिख लीजिएगा। वाई डू वी प्ले गेम्स, सेकेंड है अपन गेम्स क्यों खेलते हैं। वी प्ले गेम्स टू एंजॉय विथ फ्रेंड्स, टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एक्सेट्रा। अपन एक तो गेम इसलिए खेलते कि अपन अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इंजॉय कर सके, दूसरा है कि जो है इसे अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। नेम एनी थ्री इंडोर्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स ये है जैसे चेस, लूडो, कैरम। आउटडोर गेम है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। फिर हाउ डज योगा हेल्प आवर बॉडी, इट इसका देखिए, इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सेशन, कीप्स आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। ये देखिए हमें रिलैक्सेशन देता है, हमारी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच थिंग्स कैन बी परफॉर्म बाय, आप जैसे हवा चल रही है तो आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बलून्स कैन बी, आप एयर से है जो बलून्स को फुला सकते हो, या फिर आप अपने जो है क्लोथ्स जो है वो इजीली ड्राई हो जाते हैं एयर से। एग्जामिनेशंस ठीक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ दीज ग्रुप बिलोंग टू द इंडोर गेम्स, इसमें से कौन 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 सा इंडोर गेम है। तो देखिए स्नेक्स है, स्नेक एंड लैडर, टेबल टेनिस, लॉन्ग जंप, ये तो है नहीं क्योंकि टेबल टेनिस तो अपने घर में होता नहीं है, रनिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, ये भी अपन घर में नहीं खेल सकते हैं, चेस, कबड्डी, हॉकी, ये भी घर पे नहीं खेल सकते, बिलियार्ड, कैरम, चेस। तो इसका होगा चेस। विच ऑफ दिस बिलोंग टू द आउटडोर गेम्स, तो अब आउटडोर गेम्स में कौन कौन से आते हैं। आउटडोर गेम्स में हॉकी, रेसलिंग, कबड्डी। थर्ड है आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच इज द करेक्ट मैच ऑफ द स्पोर्ट एंड द स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विद इट। तो इसमें से आपको मैच करना है, तो इसका होगा सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, बाकी दीपिका कुमारी वो आर्करी से, देखिए दीपिका कुमारी है जो आर्करी से अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, तो ये भी गलत भरा हुआ। मैरी कॉम एथलेटिक्स है, ये भी गलत है। भक्ति शर्मा देखते हैं, इधर भक्ति शर्मा नहीं दे रखा, लेकिन जो है स्विमिंग में तो भक्ति शर्मा नहीं है, स्विमिंग में जो विद्वल खारे हैं, तो यही है जो करेक्ट था। तो आपका जो 4 और 5 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, 6 चैप्टर अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।